आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बैगन से बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी की रेसिपी। सो हेलो एवरीवन, मम्मी की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि जिस लोगों को बैगन से बिल्कुल नफरत है, जब आप लोग इस सब्जी को बनाकर ट्राई करेंगे ना, तो आप लोग का फेवरेट हो जाएगा बैगन, मेरी गारंटी है। इसमें कुछ सीक्रेट है तो वीडियो को पूरा ध्यान से बने रहे। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हम ले लेंगे बैंगन। तो जो छोटे छोटे वाला बैंगन आता है ना, बस आपको वही ले लेना है। बीच में से क्या करेंगे, चार पार्ट कर लेंगे। इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, जीरा पाउडर। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक को डाल देंगे और हम मिलाकर तैयार कर लेंगे। तो आप लोग जो बैंगन को यूज़ करेंगे ना, तो उसको चार पार्ट कर लीजिएगा। मतलब ऊपर से कटा हुआ नहीं चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा से ही कट लगा लेना है। और लगा लेने के बाद उसमें क्या करेंगे, मसाले को भरेंगे। ऐसे करने से क्या होता है कि मसाले अंदर तक फ्लेवर आ जाता है बैंगन में। तो आप लोग देख रहे हैं ना, बस आप लोग को ऐसे ही करना है। एक बैगन को लेना है, उसमें मसाले लगा लेने हैं। इसके बाद क्या करना है, बाकी को भी ऐसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने इसमें लगभग 500 ग्राम बैगन यूज़ किया है। और जो छोटा छोटा वाला बैगन आता है ना, आप लोग को वही बैगन यूज़ करना है। हम इसको ब्रिंजल भी बोलते हैं। तो बस ये बनकर तैयार हो गया। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे, ऑयल को डाल देंगे। सरसों का ऑयल यूज़ किया है। तो जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो सारे बैंगन को डाल देंगे, मसाले वाले बैंगन। और डाल देने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर। ऐसे करने से क्या होता है कि थोड़ा कच्चापन दूर हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो बस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सारे को निकाल लेंगे। तो क्या आप लोगों ने पहले ऐसे सब्जी बनाकर खाए, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल को डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, सरसों और थोड़ा सा मेथी। अगर आप लोगों को इन तीनों में से कोई सा भी पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। पका लेंगे इसको। जब थोड़ा सा चटक जाए तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो डाल दिया प्याज को। इसके बाद क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च को भी डाल देंगे। अगर आप लोग को थोड़ा कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मिला लेंगे और हम क्या करेंगे, प्याज को 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो बस प्याज पककर तैयार हो गया है। एक हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर को भी डाल दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें नमक को डाल देंगे, या स्वाद के अनुसार नमक को डाल दे। डाल देने के बाद हम इसको मिला लेंगे और 1 मिनट तक पका लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सीक्रेट बातें बताई हैं और कुछ सीक्रेट भी बताए हैं जो कि डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। अब हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा मसाला, नॉर्मल मसाला जो सभी के घरों में आसानी से रहता है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो मसाले में आप लोग को ले लेने हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, जीरा पाउडर, और साथ ही साथ आप लोग को लाल मिर्ची पाउडर भी ले लेना है। थोड़ा सा पानी को डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। तो नॉर्मली मसाला जो सभी के घरों में आसानी से रहता है, तो मैंने भी वही मसाले यूज़ किया है और आप लोग को भी यही मसाले यूज़ करने हैं। मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मसाले को 1 से 2 मिनट पकाएंगे पूरा। अब हम इसमें लगाएंगे एक्स्ट्रा फ्लेवर, तो डाल देंगे 1 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर है तो डालें, ना है तो स्किप कर सकते हैं।
तो अब आ गया है हमारा सीक्रेट जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, गैस को बंद कर लेना है और गैस को बंद कर लेने के बाद इसमें डाल देंगे 4 चम्मच ताज़ा दही। जी हाँ, दही से एक अलग ही ग्रेवी का स्वाद बन जाता है। तो आप लोग को एक साथ दही बिल्कुल भी नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा दही डालें, मिलाएं, फिर डालें, फिर मिलाएं। आप लोग को ऐसे ही करना है और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, दही से एक अलग ही फ्लेवर आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दही को जब आप लोग यूज़ करेंगे ना तो गैस को बंद कर लीजिएगा, इस बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दही को डाल देंगे, फटाफट आप लोग को मिलाते जाना है। तो जैसा कि हम कर रहे हैं आप लोग को भी सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। जब दही अच्छी तरीके से मिल जाए ना तो गैस को ऑन कर लेंगे। तो बस हमने ऑन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली मसाले को पकाते जाएंगे 3 से 4 मिनट तक। और अगर आप लोग को ऐसी सब्जी की रेसिपी, नाश्ते की रेसिपी, मिठाई की रेसिपी, या मैं बोलूँ तो अगर आप लोग को जो भी रेसिपी देखना है ना, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। मैंने आप लोग के लिए अलग अलग तरीके से सारे रेसिपी अपलोड कर दिया है। तो आप लोग को जो भी रेसिपी चाहिए आप लोग हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या सर्च मार कर देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 3 से 4 मिनट तक हम मसाले को ऐसे पकाते रहेंगे। तो जब मसाला अच्छी तरीके से पक जाए ना तो क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बैंगन को। तो जो हमने बैंगन को पहले से थोड़ा सा फ्राई कर लिया था ना, उसी बैंगन को डाल देंगे। जब आप लोग इस तरीके से सब्जी बनाकर खाएंगे ना, अपने घर में बनाएंगे ना, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि जिस लोगों को बैगन से बिल्कुल नफरत है ना, मतलब बोलूँ तो उसको बैगन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जब आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो उसको बैगन फेवरेट हो जाएगा। इतना टेस्टी ग्रेवी बनता है ना और इतना टेस्टी सब्जी बनता है सच में। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जो इसका ग्रेवी का स्वाद होता है ना, वो बहुत ही अलग आता है, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी को डाल देंगे। तो देखिए मेरा काम तो हो गया आप लोग को बताना, तो बस आप लोग को ईमानदारी से क्या करना है, इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करना है और ट्राई कर लेने के बाद मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आप लोग को जितना पानी लगे ना उसके हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ज़्यादा पानी वाला ये सब्जी ना बनाए, मतलब ज़्यादा ग्रेवी वाला सब्जी ना बनाए, थोड़ा सा जैसे नॉर्मली होता है ना ग्रेवी, बस उतना ही बनाए तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हम इसमें कसूरी मेथी को डाल देंगे, मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। 1 से 2 बाल जब आ जाए तो क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो देख रहे हैं ना, बैगन में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और पका लेंगे, मिला लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया को डाल देंगे और हम क्या करेंगे, 1 से 2 बाल आ जाने दे देंगे। तो बस 1 से 2 बाल आ गया है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा सब्जी बनकर हमारा तैयार हो गया है। एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी है यह, मुंह में पानी ला देने वाला है ये सब्जी। और मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आज के पहले आप लोगों ने इस तरीके से सब्जी नहीं बनाकर खाए होंगे बैगन का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गैस को बंद कर लेंगे। तो बस हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है, रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल, सबसे बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये, सर्व कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।